हेलो एवरीवन, तो आज हम अपना नेक्स्ट करने वाले हैं। हमने ठोस अवस्था हमारा चैप्टर चल रहा था, जिसमें हमने घनीय एकक कोष्ठिका के बारे में हम पढ़ रहे थे और कुछ प्रकार देखे थे हमने एकक कोष्ठिकाओं के कि किस तरह से होते हैं। आज हम देखने वाले हैं नेक्स्ट उसी का टाइप, राइट। तो नेक्स्ट है अपना, हमने चार वाले तो देख लिए थे, उसके बाद वाला देखेंगे हम दो एकंताक्ष जालकों की एकक कोष्ठिका। आपके दो एकंताक्ष जालकों की एकक कोष्ठिका किस प्रकार से होती है देखिएगा। दो एकंताक्ष जालकों की एकक कोष्ठिका, क्लियर। कोशिश करते हैं देखने की क्या होता है। इनके अंदर जो भुजाएं होती है वो असमान होती है, राइट। असमान भुजाएं होती है और दो फलकों के मध्य का जो कोण होता है वो 90 से कम होता है, राइट। 90 से अलग होता है, कम हो सकता है या अधिक हो सकता है, राइट। तो इसकी दो संरचनाएं, एक तो आध्य संरचना और एक अंत्य केंद्रित। हमने देखा था कि इसकी दो संरचनाएं, जो टेबल बनाई थी उसमें देखा था हमने, इसकी दो संरचनाएं होती है, एक तो आध्य और एक अंत्य केंद्रित, राइट। तो वही हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका कुछ इस तरह से होता है, सभी भुजाएं अलग होती हैं और भुजाओं के मध्य का जो कोण होता है ना वो 90 से अलग हो सकता है। इस वाले की बात यहां पर हो रही इन कोणों की, राइट। ये पीछे वाला पार्ट है। तो ये कौन सी संरचना है आपकी, आध्य है ना, राइट। अब हम अगर इसे देखें तो इसका ये वाला फलक आप यहां देखिएगा, ज्यादा समझ में आएगा आपको। इसको मैं फिर से बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ये कुछ इस तरह से है, राइट, इस तरह से है। और इसका ये वाला जो एंगल है ना, ये एंगल 90 से ज्यादा है, राइट, 90 डिग्री से अधिक है ये। और ये जो है वो 90 डिग्री से कम है, वो ये बोलना चाह रहा था, 90 डिग्री से कम और ये से अधिक, क्लियर। नाउ इसकी एक और जो संरचना है वो है अंत्य केंद्रित, और अंत्य केंद्रित के बारे में हमने देखा था क्या होता है कि विपरीत फलकों के केंद्रों पर, कोनों पर तो उपस्थित होते ही हैं अवयवी कण, लेकिन विपरीत फलकों के केंद्र पर भी तो उपस्थित होते हैं ना, बस वही वाली चीज है और वही आपको बनाना है यहां पर, राइट। जैसे कि ये है, तो ये आपकी अंत्य केंद्रित नहीं है अभी, अभी तक तो ये आध्य है, लेकिन हमें इसे अंत्य केंद्रित बनाना है तो क्या करेंगे, विपरीत फलकों के केंद्र पर भी हम अवयवी कण आपके बना देंगे, राइट। तो ये क्या हो जाएगी आपकी, अंत्य केंद्रित, ओके। ये क्या है, अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका, क्लियर। इसके बाद जो आती है आपकी एक षटकोणीय, मतलब षटकोणीय सिर्फ और सिर्फ हम एक ही पढ़ते हैं, और वो होती है कौन सी वाली, आध्य, राइट। अब आगे जितनी भी आने वाली है वो सब आध्य ही आएगी। तो षटकोणीय जालक की एकक कोष्ठिका, षटकोणीय जालक की एकक कोष्ठिका, इज इंट इट, ठीक है।
सही है ना। नाउ इसमें क्या होता है कि एक भुजा की लंबाई अन्य दो भुजाओं की लंबाई से भिन्न होती है, राइट। और दो फलकों के बीच का जो कोण है वो 60 डिग्री का होता है, राइट। मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ हम आद्य ही बनाएंगे और एक भुजा की लंबाई जो है वो अन्य दो से भिन्न है। क्लियर। और इसमें सिर्फ एक ही संरचना आपको देखने को मिलेगी जो कि आद्य है, राइट। कुछ इस तरह से ना, यहां पे एंड दिस इज द लास्ट एलिमेंट ऑफ योर स्ट्रक्चर लाइक दिस। ये है और ये जो वाला कोण है ये एग्जैक्टली कितना है, 60 डिग्री का है, राइट। और ये जो भुजा है अन्य वाली वो दो से क्या है, ये अगर ए है और ये अगर ए है तो थर्ड वाली जो है ना ये बी होगी, वो ये बोलना चाहते हैं, ओके। तो ये कौन सी संरचना आपकी आद्य है, राइट, आद्य। क्लियर है, ओके। नाउ इसके बाद में कौन सी आती है उसको देखेंगे। इसके बाद आती है आपकी त्रिसमंताक्ष। कौन सी त्रि, नाम पे मत जाइए, इनके कठिन कठिन है, त्रिसमंताक्ष। त्रिसमंताक्ष में क्या होने वाला है, त्रिसमंताक्ष जालक की एक कोष्ठिका, पूरा नाम ये लिख लीजिएगा आप। त्रिसमंताक्ष अगर हम बनाए तो उसमें क्या होता है, सभी भुजाएं लंबाई जो है उनकी समान लंबाई होती है तथा दो फलकों के मध्य कोण जो होता है, सभी भुजाओं की लंबाई तो सेम है लेकिन दो भुजाओं के मध्य कोण जो है वो आपका 90 से कम होने वाला है। इसमें भी आद्य ही बनेगी कि सभी भुजाओं की लंबाई एग्जैक्टली सेम बनानी है बट जो दो फलकों के मध्य का कोण होता है ना उसे आप क्या करेंगे, कितना कर देंगे, 90 से कम कर देंगे सर, बस यही वाली बात है और कुछ नहीं है, ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर, नाम बड़े हैं इसके, बस नाम ही बड़े हैं और ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, नाम तो डरावना है बट है यही आद्य है। और ये जो कोण है ये वाला कोण, ये कोण क्या होगा आपका 90 डिग्री से कम, बस खत्म, बाय बाय टाटा, ये खत्म है, राइट। नाउ ये क्या है, आद्य है, राइट, सब में आद्य ही है इसमें। और अब आपका लास्ट वाला जो बचता है वो कुछ इस तरह से है, इसको रफ कर रहा हूं मैं, देखिएगा लास्ट वाला जो आपका लास्ट है उसका नाम क्या है, त्रिनताक्ष। लास्ट वाले का नाम है आपका त्रिनताक्ष। त्रिनताक्ष की क्या सीन है, त्रिनताक्ष में त्रिनताक्ष को देखिएगा सर, इसमें क्या होता है कि सभी भुजाएं भी असमान और सभी कोण भी असमान, जिनमें से कोई भी कोण आपका 90 डिग्री का नहीं है, सभी भुजाएं भी असमान और सभी कोण भी असमान जिसमें से कोई भी कोण आपका 90 डिग्री का आपको नहीं बनाना है, राइट। तो कुछ इस तरह से ये बनने वाला है, देखिएगा टेढ़ा वाला हो जाएगा, इसमें थोड़ा टेढ़ा चला जाएगा, सारी भुजाएं अलग अलग है, कुछ इस तरह से सारी भुजाएं अलग, मतलब अगर ये ए है तो ये बी है और ये सी हो जाएगी, ठीक। अब अगर ये कोण ए है
जो कि 90 नहीं हो सकते, राइट। ये B है, और अगर ये वाला कोण आपका C है तो यहाँ पर क्या है कि A इज़ नॉट इक्वल टू B इज़ नॉट इक्वल टू C एंड A B कैपिटल एंड कैपिटल C इज़ नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। तो इस तरह का ये जो संरचना है आपकी, ये ऑब्वियसली आद्य ही है, राइट। तो ये आपके सारे के सारे जो सात तरह के जालक है, एक कोष्टिका है, सात तरह की वो हमने पढ़ी, और साथ में जो संरचनाएं हैं वो कितनी होती है, 14, वो हमने पढ़ी है, राइट। अब इसके बाद में आपका आता है एक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या। इसके बाद जो टॉपिक आता है आपका वो क्या होता है, अवयवी कणों, एक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या, राइट। तो उसे हम करने वाले हैं, देखिएगा। एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या कैसे निकालते हैं, राइट। तो देखिएगा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे घनीय एकक कोष्ठिका में कि घनीय की जो आद्य संरचना होती है, आद्य घनीय एकक कोष्ठिका में कितने जो है परमाणु होते हैं, अवयवी कण कितने होते हैं, राइट। तो हम यहाँ पर अवयवी कणों को परमाणु मान रहे हैं, और हम जानते हैं कि इसकी संरचना क्या होती है, सिंपल यही होती है, राइट। अगर हम इसकी नॉर्मल वाली जो बनाते हैं तो इसकी संरचना कुछ इसी तरह की होती है ना, सिंपल वाली, जिसमें सभी भुजाएँ बराबर और फलकों के मध्य का कोण जो होता है वो 90 डिग्री होता है, ये वाला, राइट। अब हम दिक् स्थान भराव वाली अगर संरचना देखना चाहते हैं इसकी, तो आपकी बुक में दिया गया है, वहाँ पर देखिएगा कि इसका ये जो सामने वाला एलिमेंट है वो हमें दिखाई देगा। तो मैं सामने वाला बना रहा हूँ, देखिएगा ये कुछ इस तरह से है, राइट, ये सामने वाला। इसके बाद में इसके जो साइड में आएगा उसको देखिएगा आप, वो इससे कुछ जुड़ा हुआ और कुछ पार्ट उसका हमें नजर नहीं आएगा, कुछ इस तरह से, राइट, ठीक है। फिर इसके बाद में इसके जस्ट नीचे वाला, ये वाला मैंने बना दिया है, इसके जस्ट नीचे वाला अगर देखेंगे तो कैसा आएगा, कुछ इस तरह से आने वाला है, राइट, ये नीचे वाला इस तरह से। और जो है आपका ये वाला, वो कुछ आपको इस तरह से दिखेगा यहाँ पर, राइट। तो आगे के चारों हो गए, अब पीछे के बनाते हैं। पीछे का ये जो है ये ऐसे बनेगा, कुछ ये वाला है, ये वाला बना रहा हूँ, देखिएगा ये इस तरह से दिखेगा, राइट। इसके बाद आपको ये जो है ये कोने वाला, ये भी थोड़ा सा दिखाई देगा और ये थोड़ा छोटा दिखाई देगा जब आप सामने से देखेंगे। और ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट, और एक और होता है इसमें लास्ट वाला, ये राइट। तो ये वाला एलिमेंट भी आपको थोड़ा थोड़ा दिखाई देने वाला है, और उसका आपको सिर्फ और सिर्फ ऊपर का पार्ट नजर आएगा, और जो ये लास्ट वाला है ये आपको सामने से देखने पर नहीं दिखेगा, राइट। तो ये दिक् स्थान भराव वाला आपका जो है वो स्ट्रक्चर है। अब अगर आप इसे देखते हैं कि आपके कोनों पर और इस जगह पर हैं, तो अवयवी कण होते कितने हैं मिलकर के। जैसे अगर आप, ये कोई गोला है, ये आपकी कोई एक बॉल है, कुछ इस तरह से 3D में देखने की कोशिश करिएगा इसको, ये बॉल है, राइट। तो आप इसका इस तरह से अगर इसको काटते हैं तो ये वाले आएंगे, राइट। तो 1/4 वाला हिस्सा है, लेकिन अगर आप इसका 1/4 फिर से कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, मतलब हर एक को फिर से काट देते हैं ऐसे। तो अब ये हो गया 1/8 भाग, राइट।
तो वैसा ही कुछ आपको यहां पर नजर आने वाला है। आप संरचना बनाएंगे तो आपको पता लगेगा कि आपका जो है इस तरह से कुछ बनाइए आप डिब्बा, और उसमें देखिएगा क्या होने वाला है एग्जैक्टली। कोशिश करते हैं देखने की कि किस तरह से ये बनता है। ये देखिएगा 3D में देखने की कोशिश करिएगा इसको कि आपका एक अवयवी कण है जो कि इस कोने पर है। अब मैंने इसको काट दिया है, इस फ्रेम में लाना चाहता हूं मैं इसको, तो ये देखिएगा कुछ इस तरह से आएगा। फिर यही वाला एलिमेंट यहां से आपका कुछ इस तरह से नजर आने वाला है, राइट। और उधर वाला तो आपको दिखेगा नहीं, फिर ऐसे ये वाला कटेगा और ये सामने वाला भी कट करके कुछ इस तरह से आपको दिखने वाला है, इस तरह से, फिर इस तरह से, और फिर इस तरह से ये सामने वाला कट जाएगा, राइट। नाउ हर एक एलिमेंट ऐसा ही दिखेगा इसमें। कुछ इस तरह से, और फिर ये जो है इधर, और ये वाला इधर। मतलब ये सारे जो हैं आपके एलिमेंट हैं, और मैंने इसको एक चौकोर डिब्बे में अगर सेट करना चाहा तो कुछ इस तरह से आता है। यही चित्र है, यही वाला है। तो यहाँ पर आप देखिए हर कोने पर 1/8 भाग है। तो हम क्या फाइंड करना चाहते हैं कि हमारा घनीय जो है आधे घनीय एक कोष्टिका में कितने परमाणु हैं। तो कोने कितने आपके 8 कोने, राइट। और एक कोने पर परमाणु का कितना भाग है, 1/8 भाग है। आप इसको जब जोड़ेंगे ना तो पूरा एक गोला बनेगा। इसको निकालिए इस पार्ट को, राइट। कौन सा पार्ट आपको ये निकालना है, इसके बाद में ये और ये, और ये वाला पार्ट जो है आपका, ये पार्ट आपका एग्जैक्टली एक गोले का 1/8 पार्ट है, राइट। तो 1/8 भाग परमाणु का। तो टोटल कितना हो जाएगा, क्योंकि 8 कोने हैं और हर एक कोने पे 1/8, तो कितना 1 हो जाएगा ना। तो इसके अंदर कितने परमाणु हैं, 1 परमाणु है, राइट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम आगे की क्लास में करेंगे। थैंक यू।